अगर आप जेके बैंक एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं विद मोस्ट इफेक्टिव लेक्चर्स एंड नोट्स, तो ज्वाइन करें हमारा जेके बैंक ऑनलाइन कोर्स, जिसमें आपको लेक्चर्स, नोट्स, ऑनलाइन टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर्स, ये सभी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको सिर्फ 999 रुपीज़ पे करने हैं, और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिख रहे नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज या कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेके एसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे एक रीजनिंग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, सीटिंग अरेंजमेंट एंड पजल्स। फ्रेंड्स, बैंक अकॉर्डिंग टू जेके बैंक के हिसाब से देखा जाए तो ये आपको 15 या 20 नंबर का आएगा, यानी कि 3 या 4 पजल आएंगी। 3 पजल आई तो 15 नंबर का होगा, 4 पजल आई तो 20 नंबर का, यानी कि हर एक पजल 5 मार्क्स की आएगी। तो फ्रेंड्स, इसमें पजल में जहां तो आपको सर्कुलर पजल आएगी, लीनियर पजल आएगी, टेबल पजल आएगी, या फिर फ्रेंड्स स्क्वायर पजल या रेक्टेंगुलर पजल आ सकती है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बेसिक जानेंगे। अगर आपको आए सर्कुलर पजल, सर्कुलर पजल जाने की सर्कल की फॉर्म में होगी, तो फेसिंग उसमें अगर पर्सन फेस कर रहे हैं इनसाइड या सेंटर, यानी कि अंदर की तरफ देख रहे हैं, तो फ्रेंड्स ये इसका लेफ्ट साइड रहेगा, ये इसका राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, और ये इसका राइट और ये लेफ्ट। तो फ्रेंड्स, अगर टर्न राइट करेगा, राइट करेगा यानी कि घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज, डायरेक्शन सेम। फ्रेंड्स, अगर लेफ्ट को टर्न करेगा, लेफ्ट को टर्न करेगा तो घूमेगा क्लॉकवाइज वाइज डायरेक्शन। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है फेसिंग आउटसाइड। अगर फेस बाहर की तरफ होंगे, यानी कि बाहर की तरफ देख रहे होंगे, तो इसका लेफ्ट ये है, राइट ये है, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट और राइट, तो सेम। फ्रेंड्स, राइट घूमेगा तो चलेगा, राइट यानी कि इस तरफ घूमेगा तो राइट का इसका होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सेम लेफ्ट इसका होगा, लेफ्ट यानी कि इस तरह एंटी क्लॉकवाइज चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट करते हैं लीनियर पजल का बेसिक। अगर आप जेके बैंक एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो ज्वाइन करें हमारा जेके बैंक ऑनलाइन कोर्स, जिसमें आपको फुल लेक्चर्स, नोट्स, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर पेपर्स, और ये सभी चीजें आपको प्रोवाइड की जाएंगी इन ₹999। सो ज्वाइन करने के लिए आप स्क्रीन पर दिख रहे हैं नंबर पर मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं या कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। थैंक यू। फ्रेंड्स, इसमें दिया गया है 4 पर्सन ए बी सी एंड डी आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल। 4 पर्सन बैठे हैं सर्कुलर टेबल पर, उनका फेस है सेंटर यानी कि अंदर को फेस करके। ए सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ सी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर क्वेश्चन में इज एंड जब बट लगा होगा तो तीनों फर्स्ट पर्सन की बात करेंगे, और अगर हु, हुम या हुज लगा होगा तो सेकंड पर्सन की। फ्रेंड्स, हु, हुम, हुज लगा होगा सेकंड पर्सन, यानी कि जिस पर्सन के साथ हु, हुम, हुज लगा होगा, जैसे कि जहां पे लगा है हु लगा है बी के साथ, तो फ्रेंड्स बी की ही बात करेगा। तो फ्रेंड्स, 4 पर्सन बैठे हैं अराउंड ए सर्कुलर टेबल। फ्रेंड्स, आप इस तरह से बिठा लो 4 पर्सन, या फिर इस तरह से बिठा लो। तो फ्रेंड्स, इस तरह से बिठाना ज्यादा बेटर है,
ए सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ फ्रेंड। सबसे पहले फोर पर्सन बैठे हैं ए बी सी डी, बट हमें पता नहीं है कौन पर्सन किस प्लेस पे बैठा है। आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग सेंटर, लेकिन सबका फेस सेंटर की तरफ है। फ्रेंड्स जब भी कोई भी पजल करनी हो तो मिनिमम, अगर पजल छोटी है तो मिनिमम दो डायग्राम ले लीजिए मैक्सिमम पजल के हिसाब से। तो फ्रेंड्स फोर पर्सन फेसिंग इनसाइड यानी कि सेंटर की तरफ है। लाइन में बोला है ए सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, ए बी के सेकंड लेफ्ट में बैठा है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स बी को लेट कर लेते हैं कि बी जहां पे है, तो ए अब इसका लेफ्ट साइड जे है, राइट साइड जे है, तो ए सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, बी के सेकंड लेफ्ट पे ए है। तो फ्रेंड्स लेफ्ट साइड जे है, बी का फर्स्ट लेफ्ट जे हुआ और सेकंड लेफ्ट जे हुआ, यानी कि ए जहां बैठा है। तो सेम फ्रेंड्स बी और ए को जहां पे बिठा दो। नेक्स्ट है बी हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ सी, बी हु लगा है यानी कि बी की बात कर रहा है, बी इज थर्ड टू द राइट ऑफ सी। फ्रेंड्स दो प्लेस बचे हैं और दो ही पर्सन बचे हैं। सपोज कर लेते हैं कि अगर सी जहां पे है तो उसने बोला है बी इज थर्ड टू द राइट ऑफ सी, तो सी का राइट ये है, तो थर्ड राइट यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड जहां पे है बी, तो फ्रेंड्स जहां पे ऑलरेडी ए है, इसका मतलब सी का प्लेस ये नहीं हो सकता। सी को हम जहां पे बिठा देते हैं, फिर बात करते हैं बी इज थर्ड टू द राइट ऑफ सी। तो फ्रेंड्स अब सी का राइट ये है, लेफ्ट ये है, बी सी के थर्ड राइट पे बैठा है यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, बिल्कुल सही बी ही बैठा है सी के थर्ड राइट पे। तो फ्रेंड्स बचा हुआ पर्सन डी जहां पे आ जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट पजल पे चलते हैं। अगर आप जेके बैंक एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो ज्वाइन करें हमारा जेके बैंक ऑनलाइन कोर्स, जिसमें आपको फुल लेक्चर्स, नोट्स, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर पेपर्स और ये सभी चीजें आपको प्रोवाइड की जाएंगी इन ₹999। सो ज्वाइन करने के लिए आप स्क्रीन पर दिख रहे हैं नंबर पर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। थैंक यू। फोर पर्सन एम एन ओ एंड पी आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग आउटसाइड। फ्रेंड्स सेम है, फोर पर्सन है, लेकिन इस बार टेबल सेम है, सर्कुलर टेबल है, इस बार फेसिंग आउटसाइड। पिछली बार पहले फेस इनसाइड था, अब फेस आउटसाइड है यानी कि बाहर की तरफ देख रहे हैं। तो फोर पर्सन है तो फ्रेंड्स बाहर की तरफ देख रहे हैं, सेम दो डायग्राम ले लो। एम सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एन, एन के सेकंड लेफ्ट पे बैठा है एम, तो फ्रेंड्स लेट कर लेते हैं एन जहां पे है, एन के सेकंड लेफ्ट। फ्रेंड्स अब आउटसाइड देख रहा है तो लेफ्ट इधर होगा, राइट इधर होगा, तो लेफ्ट में बैठा है सेकंड, यानी कि ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड, जहां पे बैठा है एम। फ्रेंड्स एम एन हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ ओ, यानी कि एन इज थर्ड टू द राइट ऑफ ओ। तो फ्रेंड्स दो प्लेस बची है, दो ही पर्सन बचे हैं, तो दो डायग्राम लिए हैं। तो फ्रेंड्स दोनों में एक बार ओ को जहां पे बिठा दो, नेक्स्ट में ओ को जहां पे बिठा दो, और बचा हुआ पर्सन पी पी। अब फ्रेंड चेक कर लो, एम सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एन, एन के सेकंड लेफ्ट पे एम है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है एन इज थर्ड टू द राइट ऑफ ओ, ओ के थर्ड राइट पे एन है। तो फ्रेंड्स अगर ये ओ होता तो ओ का राइट ये है, लेफ्ट ये है, ओ के थर्ड राइट, वन टू थ्री, थर्ड राइट पे कौन है, एन है। तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट भी चेक कर लेते हैं, ओ का ये राइट है, ये लेफ्ट है, तो ओ के थर्ड राइट पे एन है, तो ओ का राइट साइड ये है, तो फर्स्ट पोजीशन सेकंड पोजीशन, तो इसके थर्ड राइट पे एम है, यानी कि ये गलत है, तो ये है आपकी सही। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट पजल पे चलते हैं। सिक्स पर्संस ए बी सी डी ई एंड एफ आर सिटिंग इन ए सर्कल फेसिंग सेंटर। फ्रेंड्स सिक्स पर्सन बैठे हैं सर्कल में, फेस सेंटर की तरफ है सबका, तो सिक्स पर्सन
बिठा दो। ये था हमारा आज का डेमो लेक्चर, और अगर आप फुल फ्लेज वीडियोस देखना चाहते हैं तो ज्वाइन करें हमारा जेके बैंक ऑनलाइन कोर्स। और ज्वाइन करने के लिए आप स्क्रीन पर दिख रहे हैं नंबर पर मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं या मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस ग्रुप में आपको सिर्फ लेक्चर ही नहीं बल्कि नोट्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स, ऑनलाइन मॉक टेस्ट, ये सभी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी जस्ट इन 999 रुपीज़। सो गाइज, अगर आप रियलिटी में एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो हर ही आप जल्दी से ज्वाइन करो क्योंकि टाइम निकलता जा रहा है। थैंक यू, बाय।